नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म बाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, कानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्ट्रेस ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था कलेक्शन चार अकॉर्डिंग टू करोड़ तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म आर एस फिल्माई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म बाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन प्रतीक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट पर कलेक्शन सत्तर करोड़ का हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्पाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें पे वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म वाई तो आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ वॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर ऑफिसन चार सौ तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पचहत्तर करोड़ रुपए की धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, कॉनी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट पर कलेक्शन सत्तर करोड़ का था YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म द्वारा निर्मित दू यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्फाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर धालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन सत्तर करोड़ की हुई थी अकॉर्डिंग टू तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म, तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार सौ पचहत्तर करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पौनी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 475 करोड़ रुपए की धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज द्वारा निर्मित फिल्म, तो फिल्म आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर ऑफिसन चार सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्ट्रेस ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन प्रतीक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस क्लेसन चार सौ करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रूपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म वाई तो आर एस वाई आर एस स्फाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार सौ तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पचहत्तर करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पॉनी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार अकॉर्डिंग टू करोड़ तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई वाई आर आर एस एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, कॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म आर आर एस एस वाई फिल्माई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पचहत्तर करोड़ रूपये की धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट पर कलेक्शन सत्तर करोड़ का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर धालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सराज फिल्म द्वारा निर्मित यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की ओर एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म बाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पौनी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 475 करोड़ रुपए की धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म, तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज द्वारा निर्मित फिल्म, तो फिल्म आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर ऑफिसन चार सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्ट्रेस ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस क्लेसन चार सौ करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर आर एस एस स्फाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर धालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट पर कलेक्शन सत्तर करोड़ का था YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म बाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म बाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म, तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर लीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर धॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की ओर एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित दो की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पॉनी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पचहत्तर करोड़ रुपए की धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हालीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट पर कलेक्शन सत्तर करोड़ का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म वाई तो आर एस वाई आर एस स्फाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर दो हजार को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म, तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर लीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म दो अक्टूबर उन्नीस दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्ट्रेस ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, कौनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस क्लेक्शन चार सौ करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर उन्नीस दो, दो को पब्लिश की गई थी बजट एक करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, कॉनिक कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म द्वारा निर्मित तो फिल्म वाई आर एस वाई आर एस स्वाई यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन प्रतीक रोशन जो हैं उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद के द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पटकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चार करोड़ रुपए की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में स्टार कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म, तो फिल्म यूनिवर्स में तीसरी किस्त है वानिकपुर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयन का दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 19 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ रुपये की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई रिव्यू की वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं युद्ध 2019 फिल्म के बारे में जी हाँ जिसका नाम है वार सिद्धार्थ आनंद के द्वारा निर्देशित और आनंद आदित्य चोपड़ा श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है वॉर अगर आप ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के वार के कहानी के बारे में कास्ट के बारे में कौन कौन से लीड रोल हैं कौन कौन से एक्टर्स ने काम किया है और किस तरीके से लोगों ने इसमें अपना भूमिका अदा की है इसकी कमाई कितनी हुई थी इसकी लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी तो अगर आप भी मूवी रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म वाई तो आर एस वाई आर एस यूनिवर्स में तीसरी किस्त है इसमें वानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में आपको दिखेंगे फिल्म में खालिद रहमानी श्रॉफ एक भारतीय सैनिक जो रो के लिए काम करता है अपने पूर्व गुरु कबीर हॉलीवाल यानी रोशन ऋतिक रोशन जो है उनको खत्म करने का काम सौंपा गया है जो दुष्ट हो गया है जी हाँ अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आप काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग भी आपको लगेगी इसका निर्देशन जो है वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है इसका लिखित जो है वो अब्बास टायर वाला संवाद किया गया है और पाठ्यकथा जो है वो श्रीधर राघवन और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा कहानी जो लिखी गई थी वो आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद के द्वारा लिखी गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ रो, पानी कपूर आशुतोष राणा और अनुप्रिया गोयनका दिखेंगे यह फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को पब्लिश की गई थी बजट 170 करोड़ का था ऑफिस पर कलेक्शन चार करोड़ की हुई थी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया तो दोस्तों धन्यवाद